नमस्कार, आपका स्वागत है राइट मिरर में। राइट मिरर की ब्रेकिंग न्यूज में आज हम दिखाते हैं आज की सनसनीखेज खबर, और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई। आइए देखते हैं मुंबई में क्या हो रहा है आज की खास ब्रेकिंग न्यूज में। मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का प्रसिद्ध व्यापारी आशीष कोठारी ने किया विमोचन। स्टार रिपोर्ट द्वारा आयोजित मोदी राज में हार्दिक विशेषांक के व्यंग चित्र का विमोचन जेट टेक प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्योगपति श्री आशीष कोठारी ने किया। इस अवसर पर आशीष कोठारी ने हार्दिक हुंडिया को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार्दिक हुंडिया जी के ये सामाजिक कार्य मुझे प्रेरित करते हैं। स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने उनको तिरंगा दुपट्टा स्वर्ण पुष्प से सम्मानित किया। इस अवसर पर साथ में स्टार रिपोर्ट की सह संपादिका रश्मि दवे, प्रभुता शुक्ला, श्रद्धा रायबन आदि लोग उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। करूंगा कि हार्दिक भाई ऐसे अच्छे कार्य मोदी जी के नेतृत्व में और करते रहे और आगे बढ़ते रहे। देश आजादी का अनमोल महोत्सव मना रहा है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वो 75 कार्यों को लेके एक व्यंग चित्र के रूप में दुनिया के सामने लेके पहली बार आ रहे। मोदी जी ने वो 75 कार्य किए जिससे देश का नाम विश्व के अंदर रोशन हुआ है। हमने जो 12 कार्टून विमोचन जिनसे भी कराए, सबसे मुंह के एक ही बात निकली है कि मोदी जी ने आज हमारे देश का नाम विश्व में रोशन किया है। स्टार रिपोर्ट एक सकारात्मक अखबार मैगजीन, हम वो 75 कार्टून राज पाटिल के द्वारा जो तैयार किए गए हैं हम समाज के सामने लेके जल्द आएंगे, और वो मतलब व्यंग चित्र द्वारा एक सुपर संदेश जाता है, सकारात्मक संदेश जाता है, वो हम लोगों ने एक दुनिया को नई चीज दिखाई है। हम आज बड़े भाग्यशाली है कि आज 13वां कार्टून का इनोग्रेशन हम जिस महानुभाव से कराने जा रहे, जो महानुभाव शायद लाइफ के अंदर पहली बार ऐसे सोशल फंक्शन में निकले होंगे। मेरी बहुत कोशिश की, मैंने बोला आशीष भाई प्लीज एक बार आइए। आशीष भी बोले हार्दिक भी मेरा काम नहीं है, मेरे को आप आओ काम हम निकाल देंगे आपसे। तो आज आशीष भाई कोठारी जेडटेक कंपनी जो लिमिटेड कंपनी के मालिक है और एक कंप्यूटर की दुनिया के अंदर आशीष भाई उनके सुपुत्र दर्शन ने एक नई क्रांति लाई है। आज हम आशीष भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो 3 और राज्यों में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ कि लाइक चाइना जैसा होना चाहिए कि यहाँ पे मोदी के अलावा इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सारे इंडियन पब्लिक जितनी भी 140 करोड़ जनता है उनको ये सोचना चाहिए कि इतने साल हो गए जो दूसरे पक्षों को समय दिया, लेकिन किसने क्या काम करके दिया। मोदी जी के आने के बाद पूरा देश इतना आगे गया, इंडिया तो आगे गया, फॉरेन में भी इंडिया इतना आगे गया है कि वहां पे भी लोग आज इंडिया को एक रिस्पेक्टफुल कंट्री के नजरिए से देख रहे हैं। तो मोदी जी के कार्यों की तो जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कमी है, और हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा मोदी सरकार विदाउट इलेक्शन परमानेंट रहने चाहिए। मैं भी आगे 10-15 साल में इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री। हार्दिक भाई के बारे में क्या कहेंगे? वो जो ये मोदी राज में हार्दिक जो का जो नया कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया है। हार्दिक भाई से मैं करीबन 1 साल से मेरी पहचान हुई है, और इनके मैगजीन पढ़ के मैं इतना उनसे प्रेरित हुआ हूँ। फिर हम लोग जैन मंदिर में मिलते रहे,
हमारा रिलेशन बढ़ते गया और धीरे 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 आज हम लोग एक अच्छे फैमिली फ्रेंड बन चुके हैं। और हार्दिक भाई के यही कार्य से मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ और मैं हार्दिक भाई को बधाई देता हूँ। और इन फ्यूचर ऐसे कोई भी कार्य में उनको मेरी कोई भी मदद या सहानुभूति कुछ भी चाहिए तो आई एम अवेलेबल। अच्छा, मोदी राज में हार्दिक के मामले में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सब लोग ये चाहते हैं कि इसका जो 75वां कार्टून का विमोचन है वो नरेंद्र मोदी जी करें। हाँ, आप क्या, आपका क्या कहना? करना ही होगा क्योंकि हम मोदी जी के ही तो मुरीम है और हम तो ये चाहते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में लास्ट ही होना चाहिए। उसके बाद लाइक चाइना के भाई, हमको सिर्फ मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई और ताजा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें।